फोर कहा जब तुम टिफिन का डिब्बा लाता है ना तो खाना और भी अच्छा लगता है। थैंक यू डैडी। दूसरा बच्चा लोग क्या करता है? खेल रहे हैं। गुड 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 गुड। योर मम्मी किचन में खाना बना रही है। खाना बना रही है? याद नहीं डैडी, आज घर में पार्टी है ना। ओ यस 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 डैडी। गॉड ब्लेस यू। गार्ड विसल मारता है। गो 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 गो। अच्छा डैडी, रात को ज्यादा शराब मत पीना। प्रॉमिस। बाय बाय डैडी। बाय 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 माय चाइल्ड। बाय बाय। जी। छोकरा जी यहाँ पे आओ। देखो जरा मेरे लिए जल्दी से कड़क चाय ला। जी अच्छा। और देखो जल्दी नहीं आना, आराम से गरम चाय लाना। जी। जरा जल्दी में काम बिगड़ जाता है। आइए आइए छोटी मेम साहब, अंदर आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आपको कौन सा चीज चाहिए, छोटा बड़ा या बीच वाला? क्या मेरा मतलब है, मेरे पास हर साइज की चीज मौजूद है, आप खुद ही देख लीजिए। ये बस। अरे ये क्या कर रहे हो तुम इडियट? कुछ नहीं, आपको मेरे बारे में गलत फहमी हो रही है। अच्छा मम्मी ने कहा पैसे हिसाब में लिख देना। ओहो पैसे कौन से भागे जा रहे हैं, तुम भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, हिसाब तो चलता ही रहेगा। You scoundrel, how dare you touch me? देखिए मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं आपका मतलब समझ गया। आपको डर है ना कोई देख लेगा, लेकिन जो देखने वाला था मैंने उसे पहले ही बाहर भेज दिया है चाय लाने के लिए। ओहो क्या बकते हो तुम? अरे अरे क्यों चिल्ला रही हो, एक तो आगे सारा खानदान उधार लेता है, ऊपर से ऊंचा बोलती हो, 500 तुम्हारी माँ के ऊपर पहले ही चले हुए हैं, 5 रुपए और सही। ये लो अपना चीज। ओ छोटी मेम साहब, अरे सुनिए सुनिए तो, इतना गुस्सा छोटी सी बात पर? अरे मम्मी ने चीज मंगवाया था, नहीं ले जाओगी वहां जाके क्या कहोगी? चाय लाया हूँ सेठ, बड़ी गर्म और कड़क चाय है। कड़क चाय तेरे बाप को चाहिए? जूली, जूली। हरी जी। ओह, स्टॉप इट रिचर्ड। क्यों किया? अरे ध्यान से साइकिल चलाओ। माय गॉड, रिचर्ड तुम समझते क्यों नहीं? जूली हम तो समझता है मैन, लेकिन तुम एकदम नहीं समझता है। दैट्स एनफ। आई सेड स्टॉप इट मैन। जूली तुम हमको बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारा गुस्सा भी अच्छा लगता है। Thank you. Good night. Good night. Thank you, Mrs. Morris. Thanks, Margaret. क्या सुनता है मैं मिस्टर मिश्रा? ये देसी दारू नहीं, प्योर इंग्लिश माल है। मैं सूंघ नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ देसी और अंग्रेजी में कितना फर्क होता है। देसी जल्दी चढ़ती है, फौरन उतरती है, और अंग्रेजी चढ़ती है तो बस चढ़ी रहती है। How true, how true. Cheers, 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 cheers. Excuse me, I'll be back in one minute, please.
सेठ जूली। यस मम्मी, वो चीज लेके आया। थैंक यू। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, पार्टी में चलो। सॉरी मम्मी। क्या क्या हुआ? पार्टी में आने के लिए मेरा दिल नहीं। तुम भी देसी लोगों का माफत हो गया? अरे यो मानस, कम ऑन, चेंज योर क्लोथ्स, क्विकली गेट रेडी। मम्मी, हमारा ड्रेस पहले ही बदला है, हम चले पार्टी में? नो, अभी तुम बहुत छोटा है। छोटा है? प्ले मैन, प्ले। Have another drink, Mr. Oliver. Oh, thank you. I still have some. Mrs. Oliver, your husband is too slow. हम तो बरसों से ही बोलता है। Darling. Dear, have some craft cheese. Thank you. ये हमारा संजीवी दिल्ली से भेजता है। Thank you. फॉरेन एम्बेसी में उसके बहुत दोस्त लोग हैं, इसलिए सब फॉरेन चीजें। उसको तो हम लोग जिमी बोलता है। एक्चुअली उसका नाम मैक विल्सन है। हमारा डैडी का नाम भी मैक विल्सन था। Oh, he was such a great daddy. Perfect English gentleman. Oh, तुम्हारी माँ का क्या नाम था? मम्मी, माँ का नाम किधर भी नहीं ले जाता, न हिंदुस्तान में न इंग्लिस्तान में। आपके डैडी भी क्या अंग्रेज थे मिस्टर ऑलिवर? 100%। लेकिन वो अंग्रेज हिंदुस्तान को बचाने का वास्ते जर्मन का लड़ाई में मारा गया बेचारा। और उसका इनाम क्या मिला हम लोगों को? मिस्टर मिश्रा, तुम्हारा आजाद इंडिया में एंग्लो इंडियन का कोई वैल्यू नहीं, कोई जगह नहीं। इसे वास्ते हम इंग्लैंड चला जाएगा। उधर हमारे वास्ते सब कुछ है, इधर। यस मिस्टर मिश्रा, पहला इधर हमको कोई भी नौकरी मिल सकता था। हम कमिश्नर बन सकता था, हम कलेक्टर बन सकता था, हम फौज का ऑफिसर बन सकता था। अब क्या बन सकता है? नथिंग। इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड। नो नो मिस्टर मिश्रा, आई एम वेरी सॉरी, अब हम इंडिया में नहीं रह सकता। तुम लोग चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारे दम से अब तक जिंदगी की महफिल में कुछ रंग है, गर्मी है, कुछ नशा है। उसके बाद तो हंसना जुर्म हो जाएगा और खुशियों को काले कफन पहना दिए जाएंगे। Amen. थोड़ा लिपस्टिक लगाओ। No. Julie, darling. Coming, mummy. Come in, Julie. Good evening, Julie. Good evening, Julie. Good evening, Julie. This is my daughter, Julie, Mr. Mishra. जूली, मिस्टर मिश्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर मिश्रा केमिकल्स लिमिटेड। हाउ डू यू डू? फाइन। देखिए ना, जूली के आने से महफिल में कितना रंग आ गया है। प्रीटी गर्ल। जूली, अभी तक पढ़ रही हो? यस अंकल। कोई बात नहीं, जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो नौकरी के लिए मेरे पास आ जाना। ओह थैंक यू मिस्टर मिश्रा, यू आर सच अ काइंड मैन। इज़न्ट दैट द मेल ट्रेन? ओह माय गॉड, इतना टाइम कितना जल्दी पास हो गया। यही तो ट्रेजेडी है मिस्टर ऑलिवर, खुशियों के जुलूस कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। यही होता है। खाना खाएंगे? जूली प्लीज फोन ले सके। रात को पार्टी थी ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा मम्मी किधर है? मम्मी सो रही है। ओह थैंक गॉड, वंडरफुल। रात को बकरा का फुट पका, ये पाया खा लो। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज दिस डैडी? आज सवेरे सवेरे ही चालू हो गए तुम। नीचे बोलो नीचे, तुम्हारा मम्मी उठ जाएगा। ओह माय डार्लिंग डैडी, तुम इतनी क्यों पीते हो? द पॉइंट इज दिस जूली, कि जब हम इंजन से बाहर निकलता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम जहन्नुम से निकल कर आया। बस इस खुशी में पीता है।
लेकिन तुम तो इंजन में जाते हुए भी पीते हो। वो तो इसलिए पीता है कि जहन्नुम में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो मैन पी कर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। ओह माय स्लीपिंग ब्यूटी, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, डार्लिंग माय फुट। तुम्हारा रियल डार्लिंग तो इसमें बंद है मॉरिस, जो तुमको सुबह में मांगता है, शाम को भी मांगता है, दिन में भी मांगता है, रात में भी मांगता है। यू हैव गॉट अ लिवर स्टील। पॉइंट इज दिस, तुम हमको क्यों डांटता है? तू भी तो पीता है मार्केट, तुम्हारा वो बाटली तुम्हारा पीने का कहने बताता है। आम आदमी लोग कमा कर पीता है, तुम्हारी तरह जानवर की तरह नहीं पीता है। मॉरिस, एक दिन तुम वो ट्रेन को उलट देगा। मैं तो मरेगा ही मरेगा, मगर वो एक्सीडेंट में और कितना आदमी लोग को मारेगा ये हमको नहीं मालूम। ए मार्जेट, तुम रेलवे का हिस्ट्री पढ़ो, उसमें पता चलेगा कि पीने वाला इंजन ड्राइवर से बहुत कम एक्सीडेंट हुआ और ना पीने वाला सिग्नल मैन से ज्यादा हुआ। तुम जाओ, देखो तुम्हारा मम्मी का हमारा झगड़ा तो चलता ही रहता है। इन द मॉर्निंग वी फाइट, इन द नाइट क्वाइट मॉरिस। ओके ओके ओके। ए जूली। हाँ डैडी। देखो तुम एग्जाम में पास हो गए ना? श्योर, फर्स्ट क्लास में। गुड गुड। हम प्रॉमिस करता है, हम तुमको सोने का घड़ी देगा, तुम्हारा मम्मी का माफिक फॉरेन। रियली डैडी? ओ डैडी, थैंक यू डैडी, गॉड ब्लेस यू। जूली, गुड मॉर्निंग अंकल। आपके घर में ये अगरबत्तियों की खुशबू बहुत अच्छी है। मालूम नहीं ये खुशबू भगवान को पहुंचती है या नहीं, मगर हमें तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अंकल, हमारे घर में खुशबू नहीं, बदबू होती है। कैसी? सड़ी हुई शराब की, बुझे हुए
सिगरेटों की, मछली की, गोश्त की और एक वो और होती है। कैसे? जो इन सब से मिलकर बनती है। I really hate it. वो छोड़ो, क्या मॉरिस साहब आज ड्यूटी पे गए? नहीं, आज छुट्टी है। छुट्टी? क्या इससे भी? ओ, वो ड्यूटी तो डैडी छुट्टी में भी करते हैं। अंकल, उन्हें आप समझाते क्यों नहीं? आप उनके दोस्त भी हैं, ऑफिसर भी हैं। प्लीज अंकल। दोस्त हूँ बेटा, इसीलिए उनको अपनी अफसरी दिखा नहीं सकता। प्रसाद। ए, जूली को प्रसाद नहीं दोगी? ये भगवान का प्रसाद है भगवान। बाय में नहीं, दाय में। सॉरी आंटी। तुम बैठो जूली। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। क्या हुआ माँ? हरे हरे, मेरा तो धर्म भी भ्रष्ट हो गया है और जन्म भी भ्रष्ट। छी 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 छी, इतने गंदे होते हैं ये क्रिस्टान लोग। अरे, जूते पहन के अंदर चले आते हैं। माँ, वो अपने घर में भी जूते पहन के अंदर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदे हैं। अपना अपना तरीका होता है माँ। तुम मुझे तरीके मत सिखाओ। आदमी गली बाजार से वापस आता है तो जूतों में गंदगी नहीं लगती? नंगे पैरों में भी गंदगी लगती है। मुझे मालूम है बिटिया रानी, आदमी जूते बाहर निकाल कर आ सकता है, पांव बाहर छोड़कर तो अंदर नहीं आ सकता। माँ, तुम जो काम करने आई थी करो ना। मुझे प्रसाद तो भगवान का, भगवान के बंदों को बाहर निकाल ही देना, देर हो रही है। शशि? माय गॉड, तुम्हारा भाई इतनी जल्दी इतना लंबा हो गया और तुम्हारी सहेली इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत हो गई? नो। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है। बाय बाय। विकी, ये क्या कर रही हो भगवान? गंगा जल छिड़क रही हूँ, सारा घर पवित्र हो गया उस प्रांगण के आने से। हर रोज इतना गंगा जल छिड़कोगी तो सारी गंगा खाली हो जाएगी। मेरे दुकान में एक नया माल आई 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 आई। आई 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 आई। चलो क्या है? अंदर आइए, जल्दी आइए, मुनाजा हो। ये बॉल पॉइंट पेन चाहिए आपको? नहीं चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे किस उल्लू के पट्टे ने मांगे हैं? इस दुकान में सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, या उधार या ब्याज। अरे जूली, मैं तुम्हारे साथ काय को करता है? आज हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, हम जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो रही है ना कमीना, वो बोलता है आज से अकाउंट बंद, उधार नहीं देता। वो रहीम अच्छा आदमी नहीं है मम्मी, उधार तुम्हें देता है मगर मुझसे कुछ मत मांगता है। तुम समझते क्यों नहीं? अरे तुम्हारा मम्मी कभी नहीं समझेगा, मगर बेटा तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बिल्कुल एकदम ठीक किया। अरे हमारा डॉक्टर है, तुम मजाक है, गो, 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 गो। आज हम उसका सर फोड़ देगा, समझे? मिस्टर मॉरिस, शट अप, ये घर का मामला है, तुम बीच में नहीं बोले। ये घर का मामला नहीं है, हमारा इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है? तुम्हें इज्जत का फिक्र है? जिसको इज्जत का फिक्र होता है वो सुबह दोपहर शाम को रात को दिन रात बाहर में बंद नहीं जाता। ए मार्गरेट, ये क्या बात हुआ? जब देखो दुनिया का कोई बात हो घूम फिरा कर तुम हमारा बातों से खत्म करता। भाई तो फिर क्या करेगा?
तुम अपना दारू बंद करो, हम अपना उधार बंद कर देता है। छोड़ सकता है तुम? अरे फॉरगेट इट, नहीं छोड़ सकता है मैं। मैगी, तुम क्यों एंग्री होता है हमारे साथ? देखो आज हम तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट खरीदने जा रहा है। तुम मस्का लगाता है? नो मस्का, अपॉन गॉड हम जा रहे हैं, एक ब्यूटीफुल प्रेजेंट तुम्हारे लिए खरीदेगा। ओके सॉरी इंडियन। बात यह है कि हम जब इंजन का सवारी करता है तो हमको बहुत ख्याल आता है कि हम तो इंजन पे है मगर मैगी हमारा पैदल जा रहा होगा, इसलिए आज हम तुम्हारे वास्ते मोटर कार खरीदने जा रहा है। कार का वास्ते पैसा किधर है? अरे ज्यादा पैसा नहीं है, 500 आज देने का है, 500 दो महीने के बाद, फिर 250 छह महीने के बाद, फिर आज 500 देने का। वो किधर से आएगा? देखो मैगी एंगेज मत होना है, हमने तुम्हारे कपाट में से 500 पड़ा था निकाल कर अपनी जेब में डाल दिया। तुम क्या किया हो तो हमारा जिमी हमारा वास्ते क्रिसमस के लिए बेटा। सुनो मैगी, अगर जिमी तुम्हारा बेटा है तो हमारा बेटा भी है, समझा नहीं? जब हमारे हमको वो कार नहीं मांगता है, हमको कार मांगता है। तुम कार का बात करेगा मॉरिस, हम इधर ही बैठ करेगा। अगर तुम कार खराब नहीं करेगा तो हम बाहर लेट कर रहेगा। कार को बच्चे लोगों को दिखाने का लड़ते हैं, अच्छा मम्मी नहीं है। हम नहीं तो गुड मैन। आई डोंट वांट कार। चला जाएगा कहीं घर छोड़ के, वे मम्मी ना हो, डैडी ना हो, कोई ना हो। आई हेट द कॉल। ओके ओके रिचर्ड, तुमको बाहर बुलाता है, तुम साइकिल के घंटे नहीं सुनता? मैं शोर में कोई क्या सुन सकता है? शराब जुली काम कर लेगा। लीव मी, मुझे हमारा हाल पे छोड़ो मैन, यू गो, हैव अ गुड टाइम। हमको कितना टाइम इंतजार कराया तुम? चलो चलो नहीं हुआ
हम तुम्हारा वास्ते देखो गाड़ी खरीद के लाया कि तुम खुश होगा, मगर तुम अभी तक नाराज है। हे डार्लिंग, लुक पॉइंट इज दिस कि सारा कॉलोनी में किसी एंग्लो इंडियन का पास गाड़ी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड का पास होगा, वो भी फॉरेन का। डोंट ईट मी, लेट अस सेलिब्रेट। मॉरिस, मॉरिस डार्लिंग, I'm so excited, I'm so excited। हम खाली जिमी को लेटर लिखेगा, उसको बोलेगा हमारे पास कार है, फिर वो क्रिसमस के लिए जब इधर आएगा छुट्टी पे, जो लड़की को इशारा करेगा वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। अपने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में किसके पास कार है वो भी इम्पोर्ट। Let's have a drink। जूली चलो उठाओ गिलास। नहीं डैडी, मुझे नहीं चाहिए। जूली, मम्मी को नाराज मत करो, एक सिप लो, एक सिप। अच्छा डैडी, विस्की कम पानी ज्यादा। अच्छा चलो, पानी ज्यादा डालो इधर, चलो 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 चलो, ज्यादा पानी। गुड 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 गुड। ओहो, हमसे पानी दूर रखो, मिलावट इस मुल्क का सबसे बड़ा बीमारी है। अगर विस्की में पानी मिलाएगा तो लोग दूध में क्या मिलाएगा। हाँ पानी डालो, तुम डालो। वेरी गुड, नाउ
खत्म हो गया मालूम है। लोग अपने अपने घर पहुंच गए होंगे, हम भी घर चलते हैं। और ये टीन पार्ट का क्या करेगा? इसे भी ले चलते हैं। कैसा? अपना सर पर धक्का देकर? नो 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 मैगी डार्लिंग, धक्के का नाम मत लो, फॉरेन का गाड़ी है, मेड इन इटली, इसका इंसल्ट होता है। 10 मिनट और ठहरो, अभी ठीक ये देता हूँ। यू शट अप मॉरिस, 5 घंटे से हम तुम्हारा इंजीनियरिंग देखता, हमको तुम्हारा इंजीनियरिंग नहीं मांगता है मैम। तुम इधर आओ चुप चाप और धक्का दो। कम ऑन, कम ऑन चिल्ड्रन, टू मच। रेडी? डैडी, मम्मी, जूली, जॉनी,
चलो एलन, लेट्स गो। मम्मी भूख लगी है। मम्मी लीव मी अलोन। मॉरिस, मार्गरेट, हमको गेट आउट मत करना। हम प्रॉमिस करता है कि क्रिसमस का दिन हम तुमको चर्च ले जाएगा तो गाड़ी में लेकर जाएगा। हाँ, तो गाड़ी में लेकर जाएगा। नहीं नहीं, मोटर गाड़ी में जो बाहर खड़ा है। हम बहुत परेशान है। एंग्री मत हो, एंग्री मत हो। ओके डार्लिंग, ये मैगी डियर। ओके ओके ओके, गुड नाइट। थैंक यू मॉरिस। यस क्रिसमस। पूछती मम्मी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लुक मम्मी, ये अगरबत्तियाँ मुझे उषा ने दी हैं। को बुझाओ जल्दी और कैंडल जलाओ। अंधेरे में कैंडल रोशनी करता है और ये तुम्हारा अगरबत्ती रोशनी में अंधेरा करता है। बुझाओ इसको, निकालो इधर से। नो मम्मी, मैं नहीं फेंकूंगी। ए मार्गरेट, जानती है आज क्या दिन है? आज जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, खुशी का दिन। और आज का दिन भी तू घर में ये कैंडल अगरबत्ती का झड़ा किया। और ये तुम क्या करता है मैं? रात का नशा भी उतरा नहीं, फिर दो दो बोतल लेके आया। मैगी, कि एक बोतल खुशी का वास्ते और दूसरा बोतल गमी का वास्ते। खुशी लॉर्ड जीसस का और गमी अपना बेटा जिमी का, जो आज क्रिसमस के दिन भी घर आना नहीं सकता, तुम्हारे वास्ते इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त करता है। तुमको हमारा इंग्लैंड बहुत बुरा लगता है ना? हाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब क्या हुआ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही है वो क्रिस्टान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हेलो, हेलो जूली, मेरी क्रिसमस जूली। थैंक यू अंकल। मैं आपके लिए केक लाई हूँ। थैंक यू उषा। हाय बाबा। देखो जूली क्या लाई है। हैप्पी क्रिसमस जूली। थैंक यू उषा। जल्दी से काट कर ला। इस बार मैंने खुद केक बनाया है, अंडा नहीं डाला। लवली। वाह वाह वाह, तुम्हारे इस केक के लिए, बर, तुम्हारे इस केक के लिए जूली हम साल भर इंतजार किया है। अब बता मॉरिस साहब का क्या हाल है? आज बड़ा दिन है ना अंकल। आज तो उन्होंने दांत भी शराब से साफ किए हैं। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं अंकल? समझाऊंगा समझाऊंगा बेटी। बाबा। आना बेटी। वापस कब जा रही हो? जब तुम कहोगी। मेरी खातिर जाने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे लिए रुकने की भी जरूरत नहीं। आज रात इंस्टीट्यूट में क्रिसमस डांस है, आओगे? तुम आओगे मेरे साथ? तुम उषा के साथ आना। जरा मुंह खोलो देवकी, प्रसाद समझ के ये खा लो। ये प्रसाद नहीं, ये तो जहर है मेरे लिए। इसमें अंडा भी पड़ता है और जाने कौन से जानवर की चर्बी में पकाया जाता है। चर्बी? जूली ने कहा है उसने इसमें अंडा नहीं डाला। और बस उसने कहा और तुमने मान लिया। उषा, इस केक को तो बाहर फेंको और इस थाली को आग में से गुजार के अच्छी तरह से साफ करके फिर अंदर रसोई घर में रखो। लेकिन माँ, जूली को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इन लोगों को हमारा धर्म भ्रष्ट करके बहुत खुशी मिलती है। अरे ये केक खिला खिला के तो इन्होंने हिंदू कम कर दिए हैं और क्रिश्चियन बढ़ा दिए हैं। वाह वाह, क्या पॉइंट निकाला है तुम्हारी माँ ने। इस नारे पर तो ये पार्लियामेंट की मेंबर बन सकती है। अच्छा मोरे जा, एक पीस और लाओ शशि के लिए। शशि।
लो। थैंक यू अंकल। मजा आ गया। अगर इसमें अंडा होता तो और मजा आता। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अब वरना तुम्हारी माँ को अपने कान गंगा जैसे धोने पड़ेंगे। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो मौलवी साहब को हम सब की तरफ से मेरी क्रिसमस कह देना। कह दूंगी, मगर अंकल प्लीज उन्हें पीने से रोके। के बगैर विसल गई, मैंने इंजन चला दिया। जूली, तुम यहाँ क्या करता है? कुछ नहीं। Come on, let's go. Don't touch me. तुमको हो क्या गया जूली? मुझे छोड़ दो। ओके, छोड़ दिया। तुम हमारे साथ डांस भी नहीं करेगा आज? डांस करने का मूड नहीं। तुमको क्या हो गया जूली? प्लीज डोंट बोर मी, वुडंट यू गो एंड डांस विद समबडी एल्स? Hi, Usha. Hi, Julie. Hi. चलो, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। वो कार चिंदी दिखा रहा है ये मेरी नाले। आ हेलो मेरे, हेलो 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 चिंदी। बाय बाय। मीट मिस्टर मिश्रा। मैनेजिंग डायरेक्टर मिश्रा केमिकल्स पार्टी दिस आई एम इंट्रोड्यूसिंग एंड ए इज मिस्टर शशि सांडा भट्टाचार्य चीफ रेलवे इंजीनियर। माय बॉस, माय फादर, माय गॉड, माय गॉड, इज माय गॉड, इज माय फादर, माय मदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी स्टार्ट आवर एनुअल फीचर। आवर इंस्टीट्यूट्स पॉपुलर एंड फेमस लैंटर्न डांस। I've got a surprise announcement. Come on up. Come on up, Julie. Come on. Ladies and gentlemen, Lantern Dance तो इंस्टीट्यूट में हर साल होता है, लेकिन इस साल एक और चीज हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। हम सब डांस करेंगे और मिस उषा भट्टाचार्य हमारे लिए एक गीत पेश करेंगी। आते आते
Chari, you're so nice. Thank you so much. Usha, my. तुम्हारा गाना कमाल का था. तुमने गाया सीधा दिल में उतर गया. और तुम्हारा डांस भी कुछ कम नहीं था. खराब करता है मैन. टाइम देखा है, ड्यूटी पे नहीं जाना है. यार डार्लिंग, गाने का है. Where are you going, Morris? My sweetheart, who made you dirty, eh? जूली, यस मम्मी. कल रात तुम रिचर्ड के साथ डांस क्यों नहीं किया? ऐसे ही मम्मी. ऐसा कैसा? आई थिंक मम्मी दोनों में फाइट हो गया. हो भी गया तो तुमको क्या? जूली, तुम आइलिन के साथ नहीं हमारे साथ बात करता. आइलिन, यू गो इन. कल रात हम अपना आंख से सब देखा. तुमने क्या देखा है मम्मी? हमने रिचर्ड की आंख में आंसू देखा. सब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अपना ऊपर हंसता देखा. तुमको डांस करने के वास्ते वो शशि इंडियन के सिवा और कोई नहीं मिला. जूली, तुम भूलता है रिचर्ड अपना आदमी है, अपना जात वाला है. कल रात जो हुआ वो फिर नहीं होना मांगता. हमको पसंद नहीं. आई जस्ट डोंट लाइक इट. साहेब, ओ साहेब. What do you want? अल्लाह का फजल है, सब ठीक ठाक है. तुमने हमको आवाज क्यों मारा पीछे से? साहब, मैं आपसे मिलने आ रहा था. लोग मेरे बारे में बड़ी गलत बातें कर रहे हैं कि छोटी मेम साहब ने मुझे थप्पड़ मारा. असली बात यह है कि छोटी मेम साहब ने हाथ उठाया, मैं रास्ते में आ गया. मुझे लग गया भला ऐसे कोई थप्पड़ कहता है. आप तो जानते हैं मेरी छोटी सी दुकान है, जगह की तंगी है. हो सकता है चलते चलाते गलती से मेरा हाथ मेम साहब के फ्रॉक को लग गया होगा. साहिब, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हम हाथ उठाया, तुम रास्ता में आ गया, इसको तुम थप्पड़ कहता? वो तो ठीक है, लेकिन साहिब एक बात है. मेरा कुछ पैसा निकलता है आपकी तरफ, वो कब मिलेगा? जब हमारा पास फालतू आएगा, मिल जाएगा. साहिब, वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरी दुकान से हिसाब क्यों बंद कर दिया? वो तो चालू रहने दीजिए. तुम उधार बन गया, हम हिसाब बन गया. ओके, बाय बाय. अल्लाह का फजल होगा तो सब ठीक हो जाएगा. Thank you.
क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, हो ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में चूली, ना कुछ मेरे बस जा रहा हूँ।
जल्दी। मैं तो वापस आ जाऊंगा। इतनी देर से जूली, ये 4 महीने तो बस यूं गुजर जाएंगे। माय डार्लिंग, बात तो ये है ना। Give me that taxi। पैसों की जरूरत पड़े तो फौरन लेटर भेज दे। जी हाँ, बाकी फिक्र न करना। हाय जूली। हाय उषा। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। शशि भैया जा रहे हैं आज। अच्छा। हाय जूली। तुम जा रहे हो शशि? तुम डैडी से मिलने आई थी, वो चला रही है गाड़ी। नहीं तो एक एक मुसाफिर से मिलने आई थी। बाय बाय अंकल। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। 3 बातें याद रखना, अपनी सेहत का ख्याल करना। पापा गाड़ी आ गई। जूली, हमारा कसूर सिर्फ इतना है ना कि हम तुमसे प्यार करता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रिचर्ड। डार्लिंग। ओह नो, ये प्यार वो नहीं है जो औरत मत से करती है। आपस में हम दोस्त हो सकते हैं रिचर्ड, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इससे ज्यादा मुझसे कुछ ना मांगो। समझ गया, हम सिर्फ दोस्त हो सकता है लेकिन वो सब कुछ हो सकता है। कौन? वही जिसका पीछे तुम हिलाता भागता रहता है। शट अप रिचर्ड। सुनो, मुझे जाने दो। जाओ लेकिन सुन के जाओ, वो तुमको हमारा माफक प्यार नहीं कर सकता है। वो तुमको खाएगा, चबाएगा, चूसेगा और एक दिन सूखा हड्डी का माफक उठा के फेंक देगा, समझा? क्रिसमस में हमने तुमको बहुत मिस किया। मी टू। मालूम है डैडी ने कार खरीदी थी। कार? हाँ, बाहर पड़ा है जिंदा लाश का माफत। डैडी। जिमी माय सन। हाय डैड। तुम अपना डैडी को भूल गया? नो डैड, हम तुमको कैसे भूल सकते? आज तुम पहले से भी ज्यादा पी के हैं मैन। आई पॉइंट इज दिस, आज हम और भी पिएगा जिमी का आने का खुशी में। या या डैड, हमको लंदन में बहुत बढ़िया नौकरी मिल गया। या मॉम, हम इसीलिए तुम सबको मिलने के वास्ते इधर आया। लंदन पहुंचते ही हम सबके लिए मकान का बंदोबस्त करेगा, फिर यहाँ किसी को रहने का जरूरत नहीं, हम सबको उधर बुला लेगा। ओके। वंडरफुल, मेरे डैडी का सब रिश्तेदार उधर है। अब अपना मुलुक जाएगा
ओ जिमी, अपना मुल्क जाएगा। आ जाओ जाओ जाओ, हम नहीं जाएगा। क्यों नहीं डैड? ओ जिमी, हमारा मुल्क यही है। यू शट अप, यू शट अप। इसी मुल्क में हम पैदा हुआ, इसी में पला। हमारे प्लीज मैम, डैड हम थोड़ा टाइम के वास्ते इधर आया है। प्लीज फॉर गॉड सेक तुम लोग झगड़ा मत करो। जिमी इधर आओ, इधर आओ। कम है देखो जिमी, तुम चला जाएगा तो उसके बाद हम तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, गॉड नो। अरे ऐसा बात मत सुनो बाबा, ये बहुत पीला है। अरे पांडे जी, आज हम और पिएगा जिम्मी का आने के खुशी में। डैड हम तुम्हारे वास्ते फॉरेन का विस्की लाया। गुड गुड, लाओ के ओ हो शिवा सिंगर। या मैगी डार्लिंग, क्या ग्लासेस प्लीज प्लीज। ऑल राइट, थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। ए ए जिमी, ए लिटिल ट्रिमिंग है, किसिंग ट्रबल है। उषा, उषा, ए उषा, माय गॉड। अंकल आप क्या कर रहे हैं किचन में? जो देख रही हो, हम खाना पका रहे हैं। मगर जूली, जूली किसी से न कहना कि तुमने इतने बड़े रेलवे ऑफिसर को अपनी बीवी की रसोई में कद्दूकशी करते देखा है। आज आंटी नहीं है यहाँ। कहाँ है? नहीं है इसीलिए तो हम यहाँ हैं। महीने में चार दिन वो बिल्कुल अछूत बन जाती है, रसोई घर में कदम नहीं रख सकती। ए, तुम्हारे कॉलेज का वक्त हो गया है, जाओ बाकी काम हम कर लेंगे। थैंक यू डैडी। साहेब, साहेब, मैम साहेब। ओह, छोटी मैम साहेब। उस दिन का लाफा याद नहीं जो यहाँ चले आए हो? अच्छी तरह से याद है, उसी की तो माफी मांगने आया हूँ छोटी मैम साहेब। डैडी Somebody. Oh, बड़े साहब को बीच में क्यों बुलाती हो छोटी मेम साहब? ए रहीम, what brings you here? अल्लाह का फजल है, सब ठीक ठाक है। अरे हम पूछा तुम यहाँ किस लिए आया? साहब मुझे गलत मत समझना, मैं पैसे के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए आया हूँ। अल्लाह का फजल है, सब ठीक ठाक है। अरे हम बोला बैठो बैठो बैठो। साहिब मैंने बंबई ऑर्डर भेजा था साबुन तेल क्रीम पाउडर के लिए, और गलती से बंबई वालों ने ये तोहफा मुझे भेज दिया, मैं ये आपको दे रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ए डार्लिंग, देखो रहीम सेठ तुम्हारा खातिर क्या लाया है। ए यू ब्रिंग द ग्लासेस एंड वाटर, गो 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 गो। ए गुड विस्की, पॉइंट इज दिस, इट इज स्कॉच विस्की ऑलवेज वेट। व्हाट अ विस्की साहिब, ये मेरे लिए तो हराम है, इसीलिए मैं आपके पास ले आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब ये नहीं मांगता। व्हाट इज दिस फॉर ए डार्लिंग, स्कॉच विस्की। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नो थैंक यू, हम तुम्हारा माफक 24 घंटा नहीं पीता है। डार्लिंग पॉइंट इज दिस कि रहीम सेठ बहुत प्यार से हमारे लिए ये लाया है। डार्लिंग अगेन पॉइंट इज दिस कि कोई भी गुड क्रिश्चियन किसी का दिल नहीं तोड़ता है, इसीलिए हम ये पी रहा है। साहेब पियो, खूब पियो, लेकिन मेरी दुकान में हिसाब बंद मत करो, नहीं तो मुझ गरीब की दुकान बंद हो जाएगी। ओके रहीम सेठ, हम तुम्हारा दुकान बंद नहीं होने देगा। सलाम साहिब। अरे डरो डरो, हम तुमको बाहर तक छोड़ कर आता है। रहीम सेठ, बस हमारा बाहर यही तक है। गुड नाइट। अच्छा अच्छा, गुड नाइट, गुड मैन। चलो चलता चल रहा है। डार्लिंग वेट वेट,
पॉइंट इज दिस डैडी, बस आज बहुत हो गया। ए जूली, तू भी अपनी माँ का माफिक बात करता है। जूली काय को स्टॉप करता है उसको? काय को स्टॉप करता है? पीने दो, पीने दो, जब तक गिरेगा नहीं तब तक पीने दो मैन। वेरी गुड, क्या बात किया है मार्जिन, इसी बात से आज डांस हो जाए। हाँ डार्लिंग, हम डांस करेंगे। हम इतना डाना तुम्हारी तो टांगे कांप रही है, ड्यूटी पे कैसे जाओगे? कितना दिन बीमार बिस्तर पर लेटा रहा ना, इसलिए ये बॉडी जरा ढीला पड़ गया है, मगर दो चार दिन ड्यूटी पे जाएगा तो ये साला घोड़े की माफक कस जाएगा। पीनी का नतीजा देख लिया? हियर आफ्टर फॉर हेवन सेक प्लीज डोंट ड्रिंक डैडी। नेवर नेवर, नॉट इवन ऑन क्रिसमस, कभी नहीं पिएगा। ओके ओके डैडी। थैंक गॉड मॉरिस, तुम देरी से समझा मगर समझा। सॉरी बकेट, बाय बाय। डैडी दवा? ओ थैंक यू माय चाइल्ड, यू आर टू गुड डैडी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। Thank you, Daddy. Bye, bye. Bye, Morris. Bye, bye. Look out for yourself. Okay. Usha. 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 तुम कब आए? आज ही। उषा कहाँ? घर में कोई नहीं। मतलब? सब लोग बाहर गए हैं दो दिन के लिए शादी में। मैं चलूं। प्लीज शशि मुझे छोड़ दो, कोई आ जाएगा। प्लीज प्लीज शशि। कोई नहीं आएगा। कब? मैं 2000 मील चलकर आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, तुम दो कदम चलकर मेरे पास नहीं आ सकती? मुझसे मिलकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? ये बात नहीं शशि, मुझे इतनी खुशी हुई तुमसे मिलके, मुझे डर लग रहा है। जूली, जूली, तुम्हारे हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। लो, इन्हें मैं अपने सांसों से गर्म कर दूं।
बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, दो दिन के बाद मैं भी चला जाऊंगा, और ये दो दिन फिर हमारी जिंदगी में कभी आए शायद ना आए। शशि तुम फिर आओगे ना? आऊंगा, लेकिन शायद उस वक्त तक तुम कोई दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढोगे। नो शशि, नो। ओ शशि, मैंने जिसे ढूंढना था ढूंढ लिया। जूली, ओ जूली, छोड़ दो ना, प्लीज डार्लिंग, प्लीज छोड़ दो ना, लेट मी। एक शर्त है, तुम कल आओगे ना मुझे मिलने के लिए? आओगे ना? शराब पी है? पी है, थोड़ी सी पी है। मैं अकेला बैठे बैठे बहुत अकेला हो गया था। तुमने कभी नहीं पी? पी है दो चार बार अपना मन मार के, लेकिन शशि इस जगह, इस घर में नो। ओ जूली, कम ऑन। ये लो चलिए, आज एक बार फिर पी लो, मेरे लिए, मन को मार के। नो शशि प्लीज, तुम जानते नहीं ये जहर है। जूली, जो प्यार करते हैं वो जहर भी पी जाते हैं।
गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे हे, एक यही बात न भूली जूली, I love you। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो, इतना भी पास मत आओ के दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहा मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छूके तेरा, कोई चिंगारी छूली जूली, I love you। प्यार प्यासा मर जाए, ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात I
Let me go. No, please, let me go. मेरे हाथ ही रुक जाओ ना. My love. हम तुम्हारा साया है मैन. तुम जिधर जिधर जाता है हम पीछे पीछे आता है. लेकिन क्यों? गुस्सा मत करो. तुम्हारा मम्मी हमको बोला तुमको लाने के वास्ते. अभी तुम्हारे साइकिल में भी नहीं बैठेगा. कम ऑन जूली. जूली, मिस्टर भट्टाचार्य के घर में सब लोग था क्या? तुम्हें पूछ के क्या करना है? हम पूछने को मांगता है सब दरवाजा क्यों बंद था? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा. तुम्हारे मुंह से विस्की का बास आता है. यू आर स्टिंकिंग अ ब्लडी लिकर. तुम्हें क्या, तुम पुलिस हो या प्रोहिबिशन ऑफिसर? तुम्हारी मम्मी को मालूम पड़ गया तो? तुम जो चाहो कर सकते हो, मेरा सिर न खाओ. ठीक है, गुस्सा मत हो, हम तुमको छोड़ देते हैं. जूली, इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड होता है थैंक यू. थैंक यू. और सुनो, मिस्टर भट्टाचार्य अपना बीवी और बेटी के साथ दूसरा शहर से कब वापस आता है? आई एम सॉरी जूली, हमको तुम पे तरस आता है. जूली, व्हाट्स द मैटर मैन? आजकल तुम अकेला अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, खेलता नहीं, हंसता नहीं. व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं. वेरी फनी. रेलवे स्टेशन गए हैं. We'll be right back.
जूली व्हाट्स द मैटर? तुम्हारा तबीयत ठीक है? मम्मी मम्मी मुझे मार डालो मम्मी मुझे मार डालो। क्या हुआ बेबी? वो मम्मी किल मी मम्मी। हमारी को बताओ बेबी क्या हुआ? क्या हुआ जूली? मम्मी क्या हुआ? टेल मी आई एम योर मदर। मम्मी मम्मी मैं What? कौन है इस गुना का बाप? हो लोगों के साथ नहीं घूमना। तुम थोड़ी मुंह किधर? सारा फैमिली का नाक काट के हमारे हाथ में दे दिया। जीसस तुमने क्या किया? अपने घर को और कोई जानवर नहीं मिला? मम्मी क्या? मम्मी का बच्चा बेशर्म। तुमको मालूम है तुम क्या किया? तुम हमको हरामी बना दिया, अपना डैडी को हरामी बना दिया। प्लीज मम्मी गुडेल गुडेल हम तो वो दिन को रोता है जब तुमको जन्म दिया। शादी नहीं करूं तो मैं क्या करूं मम्मी? मैं तो क्या करूं? तुम पहले आंसू पहुंचो और फिर सुनो। जो हुआ है वो तुम जानता है और हम जानता है और किसी को मालूम नहीं होना मांगता। डैडी को भी नहीं, उसको मालूम हो जाएगा मर जाएगा। जाओ मुंह धो लो, थोड़ा सा मेकअप लगाओ। लोग मेकअप दिखाने के लिए लगाता है, तुम छुपाने के लिए लगाओ। जाओ ऐसे गाओ। फिर बॉटल क्यों लाया? मार्गरेट आज हम दिल से उदास है, बहुत उदास है, मैं मालूम नहीं क्यों। मॉरिस तुम उदास होता तो पीता, खुश होता तो पीता, कोई ऐसा टाइम है जब नहीं पीता है? वंडरफुल वंडरफुल। जूली तुम्हारी मम्मी से हमको शादी मनाए 25 बरस हो गया है और आज पहली बार इसने इतना पोलाइट और अक्ल का बात किया। हम हमेशा अक्ल का बात करता है, तुम अकल का सुनता। हम जूली को भेजता है कॉन्वेंट नौकरी का वास्ता। नौकरी? व्हाई मम्मी, जूली कॉलेज नहीं जाएगा क्या? नो व्हाई नॉट मम्मी,
तुम्हारा डैडी का पगार बस नहीं होता और तुम्हारा मम्मी के पास नोट छापने का मशीन नहीं है। नो 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 नो, जूली कॉलेज जरूर जाएगा, हम दारू छोड़ देगा, सिगरेट छोड़ देगा, एक वक्त का खाना छोड़ देगा, मगर जूली को कॉलेज जरूर भेजेगा। मॉरिस तुम भूलता है मन, जिमी इंग्लैंड चला गया, वो हर महीना हमको मनी ऑर्डर भेजता था, वो भी बंद हो गया है। तो क्या हुआ, हम अपना मोटर बेच देगा, कस्टमर ढूंढता है। कस्टमर रोज आता है, हाथ गाड़ी का प्राइस ऑफर करके जाता है। ब्लडे रास्कल थीज, उसको पता नहीं कि हमारा गाड़ी इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड। जूली कॉन्वेंट जाएगा नौकरी के वास्ते, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं मॉरिस। बट व्हाट इज दिस, जूली से तो पूछो कि वो क्या मांगता है। क्यों जूली? मैं कुछ नहीं मांगती, जो मम्मी कहेगी मैं वही करूंगी। ओके ओके, डू व्हाटएवर योर मम्मी सेज। हाय जूली, आओ। देखो जूली कितना अच्छा लग रहा है, नहीं फूल? अरे तुम इतनी सहमी सहमी, डरी डरी, खोई खोई क्यों हो? जूली क्या बात है? जूली जूली क्या हुआ, बोलो ना। मैं सचमुच खो गई हूँ उषा। मैं सब कुछ खो गया है। क्या कह रही हो जूली? मैं, ओह माय गॉड, उषा मैं मां बनने वाली हूँ। जब तुम लोग किसी शादी पे दूसरे शहर गए हुए थे, मैंने इस घर की चौखट के अंदर पाँव रखा और मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गई। जो कुछ किया है मेरी किस्मत ने किया है उषा। उषा तुम्हें मेरी कसम, ये बात किसी से न कहना प्लीज उषा, शशि से भी नहीं। मम्मी मुझे बदनामी से बचाने के लिए किसी दूसरे शहर ले जा रही है। मैं तुमसे मिले बिना नहीं जा सकती थी उषा। बाय बाय उषा, प्लीज बाय बाय। रूबी आंटी, मैं मार्गरेट। ओ माय मार्गरेट, ओ मार्गरेट डार्लिंग, हम तुम्हारे ही रास्ता देखता था। ओ आंटी, माय डॉटर जूली। ओ व्हाट अ प्रिटी गर्ल, वेलकम वेलकम होम, कम 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 चिल्ड्रन। आंटी जरा उधर चलता है। तुम नहीं, तुम बैठो, हम अभी आता है। नो मार्गरेट नो, हम इसमें तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता।
जूली का लाइफ का सवाल है आंटी, सारा एंग्लो इंडियन कॉम का इज्जत का सवाल है। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा आंटी, ओनली जूली को एक डॉक्टर से मिला दो। क्या बच्चा गिराने का वास्ते? यस आंटी। नो मार्गरेट नो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आंटी हम तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया था। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? ओ माय गॉड, क्या होगा, क्या होगा? जूली, आंटी और हम एक प्लान बनाया है। जब तक तुम्हारा टाइम पूरा नहीं होता तुम यहीं ठहरेगा। घबराने का कोई बात नहीं है, तुमको किसी माँ पर कोई तकलीफ नहीं होगा। आंटी तुम्हारा देखभाल करेगा और हम हर हफ्ते तुमको लेटर लिखेगा। बट तुम लेटर नहीं लिखना, आंटी तुम्हारा खबर भेजता रहेगा। ऑलराइट जूली, हम चलते हैं। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी जूली, लीव मी, लेट मी गो। मम्मी प्लीज, नो मम्मी प्लीज, लेट मी गो। जूली, जूली माय चाइल्ड, नो मत मम्मी को जाने दो। मम्मी, मम्मी प्लीज, नो मम्मी। मुझे माफ कर दो। प्लीज कम बैक मम्मी, कम। प्लीज जूली, लेट्स गो होम। मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी। जूली, गॉड ने माँ को बनाया ही माफ करने के लिए, प्यार करने के लिए। कम, लेट्स गो जूली। नो जूली, हम तुम्हारा माँ तो नहीं है लेकिन माँ का माफिक तो है ना? हाँ आंटी। ओ मम्मी आ गया। मम्मी। हेलो जॉनी। हेलो आइली। मम्मी, वेयर इज योर डैडी? आई एम हियर। हेलो मॉरिस। हेलो हेलो डार्लिंग। वेयर इज जूली? जूली का नौकरी पक्का हो गया, तो उसको उधर ही छोड़ के आ गया। वापस कब आएगा? जब उसको छुट्टी मिलेगा। छुट्टी कब मिलेगा? 6-7-8 महीने लगेगा। मम्मी डार्लिंग, जूली के बिना ये घर घर नहीं लगता। फैमिली का सब मेंबर इधर है मगर फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेला हो गया। अकेला। जूली को पगार क्या मिलेगा मम्मी? डार्लिंग, जूली ने घड़ी का वास्ते कुछ बोला हमारे वास्ते। मॉरिस, हम बहुत थकेला है, प्लीज अभी हम आराम करेगा प्लीज डार्लिंग। गो 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 गो। वंडरफुल 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 यू आर लोडी। आप गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम सॉरी, डोंट ड्रिंक टू मच। ओके, गुड नाइट चिल्ड्रन। गुड नाइट। गुड नाइट। जूली, जूली, ये शांति, तुम सोया नहीं? मैं चैन, नींद नहीं आ रही। हम एक कप दूध लाए। थैंक्स। गुड नाइट जूली। गुड नाइट।
स्टॉप इट डैडी। What is this, Julie? मेरी गाड़ी है, चलो। ज्यादा प्यार करता है उसको अपने पास जल्दी बुला लेता है। क्या हुआ आंटी, बताइए ना क्या हुआ? जूली कौर अपने पास बुला लिया तुम्हारा डैडी कौर। जूली का लेटर है मम्मी, वो ठीक है? डैडी का मौत का खबर सुन के उसको बहुत शॉक लगा। वो बीमार हो गया था, उसको हॉस्पिटल लेके गया, अभी वो ठीक है। बोलता है हम नौकरी छोड़ के घर आना मांगा। गुड, नॉट गुड, वेरी गुड। हम जाके उसको लेके आए। डैडी Huh?
मरने का पहला तुम्हारा डैडी तुमको बहुत याद किया। उसका कितना विश था तुमको सोने का घड़ी देने। वो खरीद के भी लाया बट अपना हाथ से नहीं दे सका। लो डैडी 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 माय डैडी माय डैडी हम लोग आज ही यहां से चला जाएगा। हम सबको बोल के आया है तुम नौकरी छोड़ के घर आता है। चलो जल्दी चलने का तैयारी करो बेटा। कम ऑन चाइल्ड। तैयारी किस चीज की करनी है? सिर्फ बच्चे के कपड़े साथ लेने हैं। इधर से साथ कुछ नहीं जाएगा। हमने सब बंदोबस्त किया है। आंटी बच्चे को अतिम खाना लेके जाएगा। नो नो मम्मी 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 मेरा बच्चा यतीम नहीं है। मैं जहां जाऊंगी मेरे साथ जाएगा। जहां रहूंगी मेरे साथ रहेगा। जूली जूली मम्मी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें बदनामी का डर है तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। मैं इस गले के कहीं और चली जाऊंगी मम्मी। इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं जिंदा नहीं रह सकती। मेरे बच्चे आंटी आंटी मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। आंटी नहीं जी सकती। जूली तुमको अपना जिंदगी का फिक्र है। तुम्हारे मम्मी को सारा फैमिली का फिक्र है। तुम इसको साथ लेकर जाएगा सबका कितना बदनाम होगा। तुम्हारा सिस्टर एलिन से शादी कौन बनाएगा? तुम्हारा डैडी ओ गॉड ब्लेस हिज सोल सारा एंग्लो इंडियन लोग उसका नाम पर गाली देगा। नो जूली तुम अपने माँ के साथ जाओ। ये बच्चा हमारे गोद में दो। जो सबको देखता है इसको भी देख लेना। जूली जूली डार्लिंग अरे आप कम अलोंग वी आर गेटिंग लेट। कम ऑन मैन बाय 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 आंटी। जूली जाओ अपना मम्मी जूली स्टॉप इट सन प्लीज बच्चा डोंट वरी चाइल्ड आंटी डोंट वरी बाय नो आंटी आई कांट लिव आंटी बाय प्लीज वरी वंस आंटी बाय बाय डोंट वरी प्लीज आंटी आंटी प्लीज आंटी आंटी प्लीज कम ऑन पिक अप योर बैग। My son, my love. Oh, come on, my girl, come on. My love. Come on, I say. Come on. Mummy, एक मिनट. क्या है? मैं अभी आई. मेरे बच्चे को भूख लगी है. Don't talk nonsense. Mummy, I beg of you. वो दूध के लिए रो रहा है. Mummy. I beg of you, mummy, please. Lovely. Come on. Come on.
जूली आई मीन कम सोन जूली आ गया। जूली हाय जूली चलो चलो बस बस बहुत हो गया, उसको डिस्टर्ब मत करो, हैरान मत करो, वो बहुत अकेला है। उठाओ ये सब कुछ, अंदर चलो। कमन जूली हरी आप हेलो जूली हाउ आर यू फाइन थैंक यू हाउ आर यू तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना? आई एम सॉरी जूली हम बाद में तुमको मिलने को आएगा गीला हो गया। हमको पता चल गया तुम कॉन्वेंट में कौन सा नौकरी करने गया था। Oh.
मुझे आज ही पता चला कि तुम वापस आ गए हो। आ गई हूँ जूली। तुम क्या अकेली आई हो? और बच्चा? तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा उषा, बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? उसे कहां छोड़ आई हूं? यस, भेज दो अंदर। गुड मॉर्निंग सर। आप तो जानते ही हैं जिमी इंग्लैंड चला गया है, डैडी उससे भी दूर। घर में खाने वाले कई हैं, कमाने वाला कोई नहीं। मम्मी ने मुझे आपके पास भेजा है। अंकल, मेरे लायक कोई नौकरी होगी आपके पास? कोई नहीं, लेकिन काम दे सकता हूं तुम्हें। थैंक यू अंकल। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 300 रुपए का स्टार्ट दे दूं तो ठीक है ना? 300 रुपए? माय गॉड, आप बहुत अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे हैं। और तुम बहुत खूबसूरत हो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, काम नहीं चाहिए तुम्हें? मुझे काम चाहिए, ये नहीं चाहिए। कमाल है, अब तुम जैसी फैशनेबल लड़कियां भी शर्माने लगी। शर्म मिस्टर मिश्रा, शर्म और इज्जत अगर तुम जैसों की जागीर है तो तुम कम और मुल्क के लिए गाली हो। आज 300 रुपया दिखा के अपने दोस्त की बेटी पर हाथ चाल रहे हो, कल 300 रुपया दे के कोई तुम्हारी बेटी का सौदा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा मिस्टर मिश्रा? तुम्हें कैसा लगेगा? फिरी मीन ऑफ यू, शर्म। हाय जोली, तुम तो मुझे इस तरह देख रही हो जैसे पहले कभी नहीं देखा। क्यों, मुझे भूल गई हो क्या? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर आओ ना, गाड़ी में बैठो। थैंक्स। ओह, अरे बाबा, मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी है। तुम्हें एक बात कहनी है, मुझे तो 1000 बातें करनी थी, लेकिन अब क्या फायदा? अरे फायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा। चलो गाड़ी में बैठा। तुमसे सुना भी नहीं जाता,
मैंने तो सब कुछ अपनी जान पर झेला है शशि, और उस बदनसीब की किस्मत देखो तो, जिसकी माँ भी है बाप भी मौजूद है, लेकिन वो यतीम खाने में पड़ा हुआ है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूं जो पहले प्यार करते हैं फिर मजदार में छोड़ देते हैं। जूली, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुमसे शादी करूंगा। शशि, हाँ, मंजूर है? शशि, शशि, मुझे तो मंजूर है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को शायद मंजूर ना हो। मुझे यकीन है मैं उन्हें मना लूंगा। जूली, कल तुम मुझे नदी किनारे मिलना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ओ शशि, स्वीटहार्ट। कांग्रेचुलेशन मैडम, मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया। रियली? हाँ। तुम्हारे डैडी मान गए? पिताजी दौरे पे गए हुए, उनकी ओर से कोई डर भी नहीं था। डर था तो सिर्फ माँ का, और वो मान गई। माय डार्लिंग शशि, हाउ लकी वी आर माय डार्लिंग। कम लव, माँ तुमसे मिलना चाहती है। चलो लेट्स गो। माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आओ। अरे, औरतों की बातों में तुम्हारा क्या काम, तुम बाहर ठहरो। अच्छा, आओ बेटे, आओ। जूते उतारने की कोई जरूरत नहीं, आओ। बेटी, बैठो, बैठो, बैठो। शशि ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच आंटी? उठ क्यों रही? बैठो ना बेटी, बैठो। मैं दिया लेकर भी ढूंढने जाऊं तो मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर बहू कहाँ मिलेगी? मैं तो तुम्हारी शादी ऐसे धूम धमाके से करूंगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा, और तुम्हारे हाथों में यहां से वहां तक हाथी दांत और सोने का चूड़ा पहनाऊंगी। आंटी, आंटी, आप रोने लगी। आंटी, बेटी, तुम्हारी कलाई हाथ में ली तो उषा की कलाई सामने आ गई, जो जिंदगी भर खाली और नंगी रहेगी। क्यों? इसलिए कि इस शादी के बाद उषा के साथ ब्याह करने के लिए हमारी बिरादरी में से कोई भी तैयार नहीं होगा। खैर, उषा की बात छोड़ो, बेटा और बेटी एक ही कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटियां पैदा होती हैं तो मातम होता है, बेटा पैदा होता है तो नकारे बजते हैं। मैं अपनी बेटी के आंसू देख लूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे के नकारे जरूर बजवाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं अपना घर आबाद करने के लिए उषा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, बर्बाद नहीं कर सकती। क्या हुआ? सुनो जूली, सुन क्या हुआ? जूली,
से क्या कहा? मैंने तो वही कहा बेटा जो कहना था। मैंने उसे गले लगाया, प्यार किया और मैंने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। न जाने उसे क्या हुआ, यकायक रोने लगी और थप थप करते हुए बाहर चली गई। I need my children. Yes, oh, I'm so happy. I'm so happy. Hey, honey. Johnny, I'm so happy. क्या है मम्मी? देखो, जिमी का लेटर और हम सब के वास्ते एयर का टिकट भेजा लंदन जाने का वास्ते। ओ माय जीसस लॉर्ड, अभी हम जन्नूम छोड़कर अपने मुल्क को जाएगा, इंग्लैंड हम सब जाएगा। आज अगर तुम्हारा डैडी होता तो बोलता, मैगी डार्लिंग, हम यही बात पे पिएगा बकला मैन। ओ मॉरिस, डोंट वरी मैन, तुम्हारे डैडी की जगह हम, तुम्हारा मम्मी आज हम बॉटल खोलेगा। कम ऑन, बी हैप्पी। जूली, बात सुनो। तुमको जो भी बात करना है वो हमारे से करो मैन। मुझे एक सवाल पूछना है जूली से। तुम्हारा हर सवाल का जवाब ये है। शशि, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस डायन ने मेरे भोले भाले बेटे को बिगाड़ा है। सारा कसूर है उस एंग्लो इंडियन ड्राइवर मारस की चौकरी का। माँ, जूली मेरे गले में सौगंध का फंदा डाल गई थी, लेकिन अब मुझे वो फंदा तोड़कर तुम्हें बताना पड़ेगा किसने किसको बिगाड़ा है। वो बेचारी डायन नहीं है, शैतान तो ये है तुम्हारे सामने, तुम्हारा बेटा, जिसने उसको, उस कुमारी को मां बनाया और खुद कलकत्ते भाग गया। मुझे तो शर्म आ रही है, ऐसा बुजदिल मेरा भाई है। बताओ ये सच है? शशि, थैंक यू। जॉनी हमको बोला कि आप घर का सारा सामान बाजार में बेचने को मांगता। यस रिचर्ड, हम सोचा कि तुम अगर कोशिश करेगा तो हमको ज्यादा दाम मिल सकता है। क्या बात करता मैगी आंटी, हम आप लोग के वास्ते कोशिश नहीं करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सन। जरूरत का टाइम अपना ही लोग काम आता है और कोई नहीं। हम इंग्लैंड पहुंचते ही तुमको उधर बुला लेगा। थैंक यू आंटी। अरे किधर जाता है, वन कप कॉफी। ओके। जूली, प्लीज सिट डाउन। हाउ आर यू रिचर्ड? जूली, हमको तुम्हारे आंख में पानी अच्छा नहीं लगता। तुम फिक्र क्यों करता है जूली, हम तुमसे अभी भी प्यार करता है जूली। हम तुम्हारे साथ अभी भी शादी बनाने के वास्ते तैयार है। जो कुछ हुआ जूली, समझो कि हमको मालूम नहीं। तुम तो हमको हर हाल में, हर रंग में, हर टाइम इतना अच्छा लगता जूली, जितना दुनिया को और कोई चीज अच्छा नहीं लगता। जूली, नो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। प्लीज रिचर्ड, प्लीज। बाय बाय मिसेस एंथनी। लुक आफ्टर योर हेल्थ। Bye bye, Mrs. Francis. Oh, thank God, ये सब कचरा निकल गया, हमको अच्छा पैसा मिला। Thank you so much, Richard. जी मैगी, ये तो हमारा ड्यूटी था। Oh, come on, Julie, the taxi is waiting. Mrs. Morris. Yes, Mr. Bhattacharya. मैंने सुना तुम सब बेच बिचा के इंग्लैंड जा रहे हो। Yes, Mr. Bhattacharya. मगर तुम्हें जाने की इतनी क्या जल्दी है?
अपने हस्बैंड का प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी भूल गई। वो तो तुम बाद में भी भेज सकता है इंग्लैंड। हाँ वो मैं भेज सकता हूँ, मगर तुम सबके दस्तखत चाहिए मुझे कुछ कागजों पर। अभी अभी तो हमको ट्रेन पकड़ने का है, सुबह को हमको प्लेन पकड़ने का है। ट्रेन में बहुत देर है मिसेस मॉरिस। एक मिनट का काम है। मेरा घर स्टेशन के रास्ते में पड़ता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऑलराइट ऑलराइट। जब तुम टिफिन का डब्बा लाता है ना तो खाना और भी अच्छा लगता है। आंटी बाय बाय। अरे क्यों, तुम हमारे साथ स्टेशन बाय बाय करने को नहीं आएगा? नहीं आंटी, हम इधर ही बाय बाय कर लेगा, क्योंकि हमको स्टेशन पे जुदाई का सीन अच्छा नहीं लगता है। ओ बाय बाय। बाय रिचर्ड। कैन आई कम इन मिस्टर बट? ओ प्लीज प्लीज कम कम इन कम कम इन प्लीज सिट डाउन। Please sit down. Everything is ready. All papers ready. Won't take a minute. Sit down, Julie. Well, let's see. You sign here first. Thank you. Mrs. Morris. Yes? मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? Yes, why not? अपना देश अपना घर छोड़ते हुए मैं कोई दुख नहीं हो रहा? No, I'm sorry, Mr. Bhattacharya. हम हिंदुस्तान को हमारा मुल्क कभी नहीं समझा। But you haven't met my wife, Devki. My wife, Devki. This is Julie की माँ। How do you do? Shashi, यहाँ जरा। I'm sorry, Mr. Bhattacharya. हम जरा लेट होता है। लेकिन Julie कैसे जा सकती अपनी उषा से मिले बिना? उषा! मेरी बेटी उषा को तो तुम जानती हो? Yes. मगर इसे नहीं जानती। यह है मेरे खानदान का सबसे नया और सबसे छोटा मेंबर, मेरा पोता, मेरे बेटे का बेटा। इसे समाज के झूठे डर और माँ बाप की मूर्खता के कारण कुछ रोज यतीम खाने में रहना पड़ा। मेरा बेटा। जूली! मेरा बेटा। मिस्टर भट्टाचार्य, तुमको ये टाइम पे ऐसा नहीं करना मांगता। आई थिंक इट्स मीन ऑफ यू। तुमने ठीक कहा, मैं कमीना हूं। ये बच्चा बोल नहीं सकता मगर ये कह रहा है। परमात्मा सिर्फ इंसान भेजता है दुनिया में, उसे इंडियन और एंग्लो इंडियन मुझ जैसे कमीने लोग बना देते। चिल्ड्रन मार्च। जाने से पहले एक काम करो, उस बच्चे को लो अपने हाथों में और बताओ उसके साथ क्या है। क्या वो हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, इंडियन है, एंग्लो इंडियन है, कौन है? तुम्हारी चमड़ी सफेद है मार्गरेट, लेकिन क्या तुम्हारा खून भी सफेद हो गया है? उस बच्चे की रगों में, उस बच्चे की रगों में तुम्हारे खानदान का खून है। क्या अपने खून को भी नहीं पहचानती हो? तुम्हारी गाड़ी स्टेशन पर आ गई मार्गरेट। कसम है, I'm sorry. हमको माफ कर दो जूली, प्लीज जूली, प्लीज माय बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
पैसे की पाई मैं भी ले चल। हम कितना बड़ा गुनहगार तुम कुछ छोड़कर जाकर सॉरी माफ कर दो तुम हमको नया जिंदगी दिया और हम सब कुछ छोड़कर किधर नहीं जाएगा किधर नहीं जाएगा हम सॉरी Oh